जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 39 उसके पहले पद में देखेंगे कि लिखा हुआ है कि दाऊद कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दाऊद कहते हैं कि मैं अपने चौकसी करूंगा, मैं अपनी मुंह की चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से किसी भी प्रकार का पाप ना हो। परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में लेके आए तो हम कैसी प्रार्थना करते हैं। क्या हम संसारिक बातों को परमेश्वर से मांगते हैं कि हम आत्मिक बातों को परमेश्वर से मांगते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि दाऊद ने कहा कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। हमें अपने चाल चलन की चौकसी करने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुसार चलने की जरूरत है। हमारी प्रार्थनाओं में ये शामिल होना चाहिए। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को करें तो हमारी प्रार्थना में सबसे पहले हमारी आत्मिक उन्नति शामिल होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में हमारा जीवन शामिल होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में हमारा समर्पण शामिल होना चाहिए और हमारी जीभ जो बहुत प्रकार की बुराई करती है इसका शामिल होना बहुत जरूरत है। क्योंकि लिखा हुआ है दाऊद ने कहा कि मैं अपने जीभ से मैं चौकसी करूंगा कि मेरी जीभ से किसी भी प्रकार का पाप ना हो। परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं कि ये जो जीभ है ये चली जीभ है, इसे हम कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम इससे कोई पाप ना करें, हमारे जीवन से कोई पाप ना हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग भी पवित्र बने। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला शैवल उसके 16th चैप्टर उसके 23rd पद में लिखा हुआ है कि जब जब परमेश्वर की ओर से वह दुष्ट आत्मा शाउल पर चढ़ता था तब जो था दाऊद वीणा बजाता था और वो जो दुष्ट आत्मा थी वो उसके ऊपर से चली जाती थी और वो आराम पाता था और चैन पाता था। आज परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी या कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में क्यों ना हो वो निकल जाएगी। क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कि जब दाऊद वीणा बजाया करता था तब शाउल के अंदर जो दुष्ट आत्मा उसे सताया करती थी, जो आत्मा उसे परेशान किया करती थी वो उससे चैन पाता था, आराम पाता था। परमेश्वर आज हमें आराम देना चाहते हैं, चैन देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं। जरूरी है कि हम हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। अगर हम तकलीफ में भी हो तब भी बड़ाई करें और हम खुशी में भी हो तब भी बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके गुणवाद को करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसके गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मन में काम करता है और हमारे शरीर में भी काम करता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती उसके 9 चैप्टर उसके हम देखेंगे 21st पद में लिखा हुआ है कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो अपने मन में सोचती थी कि वो यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। परमेश्वर मन को जांचने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हर एक के दिल की बातों को जानते और जांचते हैं। कई बार हम बहुत सारी बातें मुंह से नहीं कहते हैं परंतु मन में सोचते हैं और मन की बातें परमेश्वर देखता है। यीशु मसीह ने इस स्त्री के मन को देखा कि ये मन में क्या विचारती है और क्या सोचती है और इसका विश्वास था कि अपने यीशु मसीह के जब ये वस्त्र को छू लेगी तो ये चंगी हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, जब इसने यीशु के वस्त्र को छू लिया तो ये चंगी हो गई। ये कई दिनों से बीमार थी, लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से बीमार थी। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो ऊपर के दृष्टि या ऊपर जो भी इंसान ऊपर से दिखता है उसको नहीं जांचता है। परमेश्वर हर एक के मन को जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार हम बहुत सारी बातें अपने मुंह से नहीं कहते होंगे पर परमेश्वर हमारे हृदय की बातों को, हमारे हृदय की प्रार्थना को, हमारे हृदय के विचारों को, हमारे हृदय के विश्वास को देखना चाहते हैं। परमेश्वर के इस वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।